हेलो गाइस, तो बात करने वाले लवली एनीकॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जहां पे गाइस लवली एनीकॉइन अपना स्वाइप लॉन्च करने वाला है। लवली एनीकॉइन वर्जन 3.3 और वर्जन 4 स्वाइप में क्या अंतर होने वाला है, किससे वहां पे काम करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ गाइस लवली एनीकॉइन ने गिव अवे किया कार का, उसको जानेंगे। और गाइस कुछ मेजर अपडेट्स है लवली एनीकॉइन से रिलेटेड, उसको भी जानने वाले इस वीडियो में। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस लवली एनीकॉइन का स्वाइप, तो आपको बता देना चाहता हूं, अगर यहां पर देखो तो लवली एनीकॉइन का भी प्रोडक्ट में लवली एनीकॉइन वर्जन 3 स्वाइप, लवली एनीकॉइन इथेरियम चेन पे जो होता है पॉलीगॉन और सोलाना पे जो होने वाला है लवली एनीकॉइन वर्जन 3 स्वाइप, और गाइस लवली एनीकॉइन वर्जन 4 स्वाइप है, तो कैसे काम करेगा उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि गाइस आज के दिन में यहां पे लवली ने अपडेट्स दिया है। अगर आप बात करें तो यहां पे लवली एनीकॉइन इंट्रोड्यूस किया लवली स्वाइप, जहां पे आप डिस्कवर कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और काफी कुछ कर सकते हो। लवली जो स्वाइप है गाइस, इसका एम ए डेली बेसिस पे होने वाला, जहां पे गाइस आपको 24/7 लिक्विडिटी पूल की अवेलेबिलिटी दी जाएगी। लवली जो गाइस एक मीम क्रिप्टो कॉइन है और उसके पास काफी बड़ा लॉन्चपैड प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट होता है हाई एंड BEP20 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो गाइस यहां पे आपको पता है कि जो लवली का स्वाइप है गाइस काफी अच्छा यहां पे काम करने वाला। अगर ये यूटिलिटी का बेस बन जाता तो गाइस आपको समझ में आना चाहिए लवली एनीकॉइन कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ चल जाएगा। लवली ऑटोमेटेड कैसे स्वाइप काम करेगा वर्जन 4 में, तो गाइस यहां पे दो स्टेप होने वाली है। जस्ट आपको लिस्ट करना है योर टोकन को, अपना इंटर करना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, पे करना गाइस वैलिडेशन फी इन लवली एंड ओनली लिस्ट टोकन विल बी अनेबल्ड। तो गाइस वहां पे ऐसा करके जो भी लिस्टेड टोकन है गाइस उसी को अनेबल की जाएगी। और यहां पर आप देखोगे तो ओनली लिस्टेड टोकन विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग के लिए उसी को अवेलेबल की जाएगी। नो नीड टू कॉन्टेक्ट द टीम, वो टीम को करने की जरूरत नहीं क्योंकि गाइस ये ऑटोमेटेड स्वाइप है। तो गाइस आपको कैसा लगा जरूर बताना इसके बारे में। साथ ही साथ गाइस लवली एनीकॉइन की बात करें तो यहाँ पे काफी ह्यूज लेवल पे प्रमोशन चल रही है। अगर बात करें लवली एनीकॉइन ने बताया कि यूएसए में अभी प्रमोशन चलने वाली लवली एनीकॉइन का काफी तगड़ा। अगर बात करें लवली एनीकॉइन के अपडेट्स की तो बीएससी डेली की तरफ से अपडेट है, जहां पे लास्ट 24 आवर्स में लवली एनीकॉइन गाइस टॉप 10 पे यहां पे ट्रेंड कर रहा है मीम कॉइन की कैटेगरी में। साथ ही साथ लवली का स्वाइप जो सपोर्टर है आपको पता है यहां पे लवली एनीकॉइन टोकन से कॉइन होने वाला है। और गाइस यहां पे लवली एनीकॉइन विल बी द नेक्स्ट डोज जो लवली एनीकॉइन फाइनेंस यूएस की तरफ से बताई गई, क्योंकि गाइस यहां पे यूएसए में बिग प्रमोशन होने वाली है। ऐसा मैंने कहा गाइस यहां पे लवली के टीम कह रहे हैं। साथ ही साथ गाइस यहां पे प्रमोशन स्टार्ट है, बीसी की दिल्ली की तरफ से ऑलवेज प्रमोट करते हैं लवली एनीकॉइन का कुछ भी अपडेट आता है, चाहे लवली की स्वाइप की बात करें या लवली की कुछ भी बात करें। न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है क्योंकि गाइस लवली स्वाइप, लवली वॉलेट, लवली चेन, लवली लॉन्चपैड, काफी कुछ होने वाला लवली गेम्स। तो गाइस यहां पे न्यू ऑल टाइम हाई लगने वाला है। और गाइस यहाँ पे भी लवली ने गाइस कार का गिव अवे भी किया, देखोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन कॉइन ट्रेडर्स को गाइस गिव अवे किया कार का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी शेयर किया था, लेकिन गाइस मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा भी गिव अवे करने का, क्योंकि गाइस ऑलरेडी ये काफी अमीर आदमी ने उसको गाइस जो लवली का जो मनी है जो यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे बढ़े गाइस उनको बायबैक करना चाहिए था, और जो मनी उन्होंने बायबैक किया है उसको गाइस सप्लाई को रिड्यूस करना चाहिए था बाय बर्निंग। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये मनी को यूज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ही मनी है, हम ही लोग का मनी है। आपको इसमें क्या लगता है जरूर कॉमेंट में शेयर करके बताना। बात करें लवली एनीकॉइन की प्राइस की, तो गाइस यहां पे लवली की प्राइस की बात करें तो आज के दिन में अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिला लवली एनीकॉइन के प्राइस में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कॉइन मार्केट कैप में देखोगे तो यहां पे लवली एनीकॉइन में 0.6% का ग्रोथ है। 7 की सीरीज में लवली एनीकॉइन आ चुका है। वॉल्यूम में गाइस थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, लेकिन गाइस तब भी यहां पे लवली एनीकॉइन में अभी भी काफी कुछ बचा है। अगर इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो गाइस वहां से आपको कहीं ना कहीं गाइस अभी काफी कम प्राइस में यहां देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहां से आराम से अगर बुलिश रैली जब आती है लवली एनीकॉइन में, या फिर मार्केट में जब बुल रन आएगी, तो लवली एनीकॉइन में आराम से आपको 10x तक का प्रॉफिट आराम से देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में शेयर कर बताना। वीडियो देखते गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।